दोस्तों क्या आपके मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है खास करके जब आप अपने मोबाइल में गेम खेलते हो मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत फास्ट ड्रेन हो रही है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर में मोबाइल की बैटरी फास्ट ड्रेन क्यों हो रही है इसके पीछे क्या कारण है वेल डोंट वरी मैं किस लिए आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो फास्ट ड्रेन क्यों हो रही है इसके पीछे क्या कारण है और इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं वो भी यूँ चुटकियों में लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन तो बनता है हेलो गाइस मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी के अंचल में आपका स्वागत है नंबर वन वॉलपेपर क्या आपको पता है कि आप अपने मोबाइल में किस तरह का किस टाइप का और किस कलर का वॉलपेपर इस्तेमाल करते हैं इससे भी आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो फास्ट रेन होती है यस yes, आपने बिल्कुल सही सुना यानी कि दोस्तों आप एक नॉर्मल वॉलपेपर इस्तेमाल कर रहे हो जो कि प्लेन है डार्क है ब्लैक कलर का है वहीं पर आप एक दूसरा वॉलपेपर इस्तेमाल कर रहे हो जो कि कलरफुल है और एक आप तीसरा वॉलपेपर टाइप इस्तेमाल कर रहे हो जो कि है लाइव वॉलपेपर तो यहाँ पे तीनों का दोस्तों जो बैटरी कंजम्पन है वो अलग अलग होगा यहाँ पर दोस्तों जो लाइव वॉल है वो सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है यस तो अगर आप अपने मोबाइल में लाइव वॉलपेपर का इस्तेमाल करते हो और फोन की जो बैटरी है वो फास्ट ट्रेन हो रही है तो आप अपने फोन में ब्लैक वॉल का यूज करें अब मैं ऐसे दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लैक वॉल इस्तेमाल करने से सुपर एमोलेड वाले स्मार्टफोन में उसमें जो बैटरी है दोस्तों वो काफी हद तक सेव होगा यस yes. आप थोड़े से भी टेकी हो तो आपको पता होगा सुपर एमोले

यस yes, आपने बिल्कुल सही सुना आपने नोटिस किया होगा जब आपके मोबाइल में नेटवर्क कम आते हैं तो आपका जो मोबाइल है दोस्तों वो नेटवर्क कैच करने की कोशिश करता है आसपास से और ऐसे में आपके मोबाइल की ऑफकोर्स जो बैटरी है वो खर्च होगी कंज्यूम होगा और कई बार तो नेटवर्क ना आने से यहाँ पर बार बार नेटवर्क कैच करने की वजह से आपके मोबाइल दोस्तों हीट भी करने लग जाता है सो so, इसलिए दोस्तों एक बेस्ट और एक सही मोबाइल नेटवर्क चूज करना बहुत ही जरूरी है इसके तीन फायदे हैं आपको एक नेटवर्क अच्छा मिलेगा इंटरनेट स्पीड अच्छी मिलेगी एंड तीसरा आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो भी सेव होगा फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं Airtel का सिम यूज करता हूँ मेरे एरिया में दोस्तों जो Airtel का सिम है उसके जो नेटवर्क है दोस्तों वो बहुत अच्छे आते हैं इनफैक्ट दोस्तों मुझे जो इंटरनेट स्पीड है वो भी मुझे काफी बढ़िया देखने को मिलता है अभी हाल ही में दोस्तों ओपन सिग्नल ने भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें दोस्तों Airtel विनर निकल के आया है फॉर बेस्ट मोबाइल गेमिंग एक्सपीरियंस

बस आप थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है वीडियो लाइक कर देना नेक्स्ट है दोस्तों प्लेइंग गेम्स यस आपने नोटिस क्या होगा जब भी आप अपने स्मार्टफोन में कोई भी गेम खेलते हो तो आपने नोटिस क्या होगा मोबाइल की बैटरी उस वक्त सबसे ज्यादा खर्च होती है जो बैटरी है वो बहुत ही फास्ट ट्रेन होता है Well, इसके पीछे दोस्तों रीजन है आपके मोबाइल का जो ग्राफिक सेडिंग्स बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो मोबाइल को हाई सेटिंग्स पे हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे प्ले करना खेलना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है ग्राफिक्स काफी अच्छे मिलते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूं अगर आप हाई सेटिंग्स पे हाई ग्राफिक्स पे अगर आप गेम खेलोगे तो ऑफकोर्स दोस्तों हाई ग्राफिक होने पर यहां पर हाई सेटिंग्स का इस्तेमाल होने से फोन की बैटरी और ज़्यादा कंज्यूम होगी तो अगर आपके फ़ोन में जो बैटरी है वो बहुत कम है या फिर बहुत फ़ास्ट ट्रेन होती है तो ऐसे में आप बैटरी सेव करने के लिए मोबाइल के दोस्तों जो ग्राफिक्स है उसे कम कर सकते हो सो so या गेमिंग खेलते वक्त बैटरी फास्ट ट्रेन होने पर ग्राफिक्स सेटिंग्स कम कर दे और हाँ मोबाइल में आपको आजकल जो स्मार्टफोन में गेम मोड देखने को मिलता है उसका भी यूज़ करें वो भी आपके मोबाइल की जो बैटरी सेव करने में काफ़ी हद तक मदद करता है एंड हाँ आपको एक अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस भी देता है तो उसका यूज़ करना भी मत भूलना नेक्स्ट है दोस्तों वाईफाई शायद आपको पता नहीं होगा या फिर आपने नोटिस नहीं किया होगा अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल में एक तरफ मोबाइल डेटा को यूज करते हो और दूसरी तरफ दोस्तों आप मोबाइल में वाईफाई का इस्तेमाल करते हो तो नोटिस करना दोस्तों यहां पर जो मोबाइल की बैटरी है वो ज़्यादा सेव होगी यहां पर वाई के इस्तेमाल से यस yes, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना वाईफाई हमेशा मोबाइल जो बैटरी है वो बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू मोबाइल डेटा इसलिए दोस्तों जहां पर भी आपको वाईफाई मिले चाहे आप गेम खेलते हो मूवीज देखते हो वीडियोस देखते हो तो ऐसे में मोबाइल डेटा

मोबाइल में हाई रिफ्रेश के इस्तेमाल से दोस्तों काफी ज्यादा बैटरी खर्च होती है और रिजल्ट बैटरी फास्ट रेन होने लगता है तो सिंपल सा फंडा अगर मोबाइल की जो बैटरी है वो फास्ट ड्रेन हो रही है बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है हद से ज्यादा तो ऐसे में आप हाई रिफ्रेश रेट को यहां पर टर्न ऑफ कर दें और जो आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज देखने को मिलता है उसका यूज करें हाई रिफ्रेश रेट यूज करोगे तो डेफिनेटली हाई बैटरी यहां पर कंज्यूम होगा तो यहां पर अगर आपके फोन में हाई रिफ्रेश रेट हो तो सिंपल सा सिक्सटी हर्ट्स में आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली आपको जो बैटरी बैकअप है वो और बढ़िया देखने को मिलेगा लास्ट टिप है मोबाइल में वाईफाई ब्लूटूथ और ऑटो अपडेट ऐप यूज़ ना करने पे इन्हें बंद कर दे, टर्न ऑफ कर दे अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं और ये भी आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक कंज्यूम करते हैं और हाँ अगर आप अपने मोबाइल में जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा करके रखते हैं तो कोशिश करें मोबाइल की ब्राइटनेस कम करें इससे आपके आंखों पर स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा और हाँ आपके मोबाइल की बैटरी भी बहुत सेव होगी और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों एक और बहुत ही यूज़फुल टिप आजकल के हर स्मार्टफोनों में बैटरी सेविंग मोड देखने को मिल जाता है तो अगर आपके मोबाइल की बैटरी बहुत ही कम है और आप बैटरी को और ज़्यादा देर तक यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो मोबाइल की सेटिंग में आपको बैटरी में जाके वहां पर बैटरी सेविंग मोड देखने को मिल जाएगा इसका यूज़ ज़रूर करें जब आपके मोबाइल में बैटरी बहुत कम हो तो इससे क्या होगा बैटरी और देर तक चलेगी अब बस यार थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है बस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन पर के रखना और हाँ कुछ भी सलाह नीचे कमेंट कर सकती हो। सोशल मीडिया पर जाकर फॉलो कर लेना मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय